देखिए भाई लोगों, ये एक ऐसा अनोखा बाग है, इसमें हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां फैली हुई हैं, वो मैं आपको दिखाएंगे। देखिए देखिए, ये जो है ये जल पनीर इसको कहते हैं, ये जल पनीर के नाम से पुकारा जाता है। ये देखिए जल पनीर, देखिए ये फोड़ा फुंसी पर इसके पत्ते बांधे जाते हैं, और जब टिटनिस बच्चे को हो जाती है तब इसमें बच्चा लपेट दिया जाता है तो बच्चा ठीक हो जाते हैं, बुज़ुर्गों का कहना है। देखिए आपको दिखाते, देखिए इसे कहते हैं गोल्ड मोर, और आपको हम दिखाते सब चीज़ दिखाएंगे, आप लोग देख लीजिए। ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे भारतवर्ष में पड़ी हुई हैं कि एक से एक सुंदर। देखिए देखिए, ये देखो, ये है बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, इसमें फूल निकलता है, शंकर जी का पात्र बनता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाएंगे, और इसके जड़ में श्री गणेश जी पैदा होते हैं, वो भी दिखाई देते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल निर्गुंडी की बड़ी महिमा चल रही है, इसे कहते हैं निर्गुंडी, और निर्गुंडी का फूल भी देख लीजिए। देखो ये फूल है, ये 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 देखिए, ये फूल है, ये निर्गुंडी का फूल है। अगर 60-70 साल निर्गुंडी की जड़ के दाने अगर मिल जाएं तो आज इंसान महान हो जाता है, ऐसी जड़ी बूटी ये है अमृत के समान। देखिए जो मैंने ही लगाए हैं, और ये हम मैंने ही लगाए पेड़, देखिए आप देख लीजिए, हर एक चीज़ मिलेगी, जो चीज़ की जड़ी बूटी की ज़रूरत है वो हर जड़ी बूटी मिलेगी। और अभी हम मैं आपको दिखाएंगे कि देखिए शंकर जी का पात्र जल चढ़ने वाला कैसा होता है, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए भाई लोगों, देखिए ये देखिए, बूई पेड़ है, ये पेड़ है, और इसमें देखो ये इसे कहते हैं शिवलिंगी, ये शिवलिंगी है, ये पात्र है, इस पर जल चढ़ाया जाता है, इसी की जड़ में जो जड़ होती है उसमें गणेश जी का रूप होता है, ऐसा इसमें बनता है, मैं दिखाता हूँ। और इसकी जड़ी बूटी ये इतनी पथरी के लिए इतनी राममार दवा है कि अगर जिस इंसान को ये मिल जाए तो वो जीवन में दोबारा पथरी नहीं हो सकती है, ऐसी ये जड़ी बूटी है। देखिए ये गुड़हल है, ये मैं दिखा रहा, सब चीज़ आपको दिखाते हैं, आप सब जने देख लेना, ये गुड़हल है। और देखिए ये नींबू का पेड़ है, ये नींबू है, और देखिए और अभी आपको हम दिखाते, देखिए ये है भूमि आमला, इसको कहते हैं भूमि आमला, ये लीवर की बहुत राममार दवा है, ये लीवर की राममार दवा है भाई लोगों, अगर जिसको ये मिल जाए तो झपट के लेना। देखिए मैं सब दिखाते, देखिए अकरकरा, देखिए जिंदा अकरकरा ये है, अकरकरा में देखिए ये तोड़ रहे, देखिए ये इसकी जड़ है, और देखिए ये इसमें पीला फूल लगा, ये तीन तरीका का होता है, एक सफ़ेद फूल वाला होता है, और एक इससे वो ग्रीन गहरा रंग उसका होता है, और ये पीले रंग का होता है, ये जो है इसे मुखमंजनी भी लोग कहते हैं, और इसे अकरकरा है, ये अकरकरा है, ये फालिश के काम में बहुत अच्छा काम करता है, और इसका तेल भी बनाया जाता है, इसे तिल के तेल में भून के मालिश करने से ये गठिया रोगन जोड़न में दर्दों में के काम में भी बहुत अच्छा ये काम करता है, ये अकरकरा है। ऐसी आपको मैं हजारों जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हैं, क्यों यहाँ पर, ये देखिए टंकी बनी हुई है, ये टंकी बनी हुई है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ तैयार ऑटोमेटिक कुदरती यहाँ पर जमती हैं। ये आपको मैं बताता हूँ कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं जो कि आप, या अंदर झाड़ ज़्यादा है इसलिए
यहाँ सर्पों का बहुत डर रहता है, तो ऐसे में जड़ी बूटियाँ का प्रचार भी करता हूँ और अपने गरीब भाई लोगों के लिए मैं बताते भी हैं। लेकिन बताने से पहले बिना जाने कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए, जब तक डॉक्टर वैद्य की राय ना ले सको। जब उनकी राय ले लो तभी खाओ, क्यों तुम्हें उसके खाने की अनुपात का पता नहीं है। अब जैसे ये निर्गुंडी का पेड़ खड़ा हुआ है, ये इतना गर्म होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसी भी सूजन हो, कैसी अकड़न जकड़न सूजन कहीं दर्द होता हो, तो इसको उबाल के इसकी लुगदी बांधी जाती है और इसका पानी भी पिलाया जाता है, तो कैसी भी शरीर में सूजन हो वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। और भाई बड़े बूढ़ों से भी पूछ लेना निर्गुंडी, पहले मेड़ों पर लगाते थे लोग, अब तो ये ढोड़े नहीं मिलती है। तो ऐसे मैं आपको जिंदा जड़ी बूटी से अवगत कराता हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक से देखना, ये ऐसी जड़ी बूटियाँ संसार में पड़ी हुई हैं। ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बादी हो या खूनी हो या फिसर हो या मसेदार हो या भगंदर हो, जड़ी बूटी को घिसके लगा देने से ही वो ठीक हो जाती है, मस्से भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी ऐसी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, मैं आपको बताता। देखिए ये ऐसी एक जड़ी बूटी है जिसके देखिए ये खड़ी हुई है, ये इसकी देखिए, इसकी जड़ की छाल को घिसके लगा दो तो बवासीर का नामो निशान नहीं रहता है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी यहाँ बहुत पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं भाई आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि पानी को दही तो दूध को जमा देता है, लेकिन ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि पानी को भी तुरंत जमा देती है, जिसमें जलजमनी कहते हैं और पातालगुनी भी कहते हैं। पातालगुनी का रूप ये छोटी छोटी सी बेल पड़ी होती है, वो आगे झाड़ है यहाँ पर खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। देखिए कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मैं आपको बताएंगे अभी। इसे पातालगुनी कहते हैं, शरीर में किसी प्रकार की गर्मी अगर हो जाती है तो इसको लेने से बिल्कुल जड़ से मर्ज ख़त्म हो जाती है। तो इस एक तो ये होती है, ये देखो ये इसे कहते हैं जलजमनी, ये इसे कहते हैं जलजमनी, और इसी में वो लंबे पत्ते की है उसे कहते हैं पातालगुनी। वो पातालगुनी इस जलजमनी से बहुत अच्छी होती है और गठिया के रोग में उसकी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, और पत्ते हैं वो पानी जमाने के काम में आते हैं, और कोई हानि कोई नुकसान नहीं है, ये जिंदा जड़ी बूटियां हैं। ऐसी ऐसी आपको मैं दिखाता हूँ कि तमाम वो जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं। देखिए एक से एक जड़ी बूटियां, तरह तरह के देखिए फूल देख लीजिए, देखिए ऐसी ऐसी ये सुभामान जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं। तो भाई लोगों मैं तो ऐसे ही बताते हैं और गरीबों का भला भी करते हैं। और यहाँ पर एक दो पेड़ नहीं, हर श्रृंगार का भी पेड़ है यहाँ पर। हर श्रृंगार का इतना काम अच्छा है, जैसे निर्गुंडी का काम है वैसे ही हर श्रृंगार का काम है। तो ऐसी जड़ी बूटियाँ हमारे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है हमारे भारतवर्ष में, और हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों का भंडार है, और जिंदा जड़ी बूटी किसी भी देश और विदेश में इतनी जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं। पहाड़ों पर तो मेरा राजा है, पहाड़ राजा है, वहां तो भी एक से एक अच्छी जड़ी बूटियां मिलती हैं। उत्तरांचल का पानी और नीचे तल के दूध से भी वो पानी ज़्यादा लगता है, ऐसा माना जाता भी है और देखा भी, मैंने पी के भी देखा है, और उसमें वजन भी होता है, ताकत भी होती है, क्योंकि वो पहाड़ों से पानी निकलता है, हजारों तरीका की जड़ी बूटियों से धो धो कर के आता है, इसलिए वहाँ का इंसान बलवान और ताकतवर रहता है और सुंदरता भी अधिक रहती है। तो भाई लोगों ऐसी मैं जड़ी बूटियाँ आपको बताते रहते हैं, और आप इनको देख लीजिए और समझिए। वीडियो
पूरी नहीं देखते हैं। जब पूरी देखोगे तो जड़ी बूटियों का आनंद ले पाओगे। देखिए ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है। देखो ये देखिए आप, ये संजीवनी बूटी है। देखिए ये जिसमें शंकर जी गणेश जी दोनों विराजमान हैं। तो मैं तो भाई ऐसी है जड़ी बूटियाँ, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ बताते हैं जो कि आप दंग रह जाओगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ। और मैं भाई लोगों अपनी ये बिक्की है, इसी से चलते रहते हैं, जंगलों में जाते रहते हैं और जड़ी बूटियों की खोज करते रहते हैं। और मेरे गुरुजी थे, वो मुझको जड़ी बूटियाँ सिखाते थे। तो मैं गरीबों का भला करना चाहते हैं और करते भी हैं और बताते भी हैं। बताने का कोई पैसा नहीं, कोई चीज़ नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जड़ी बूटियों पर विश्वास करिए। और अब जो पंसारी खिन से आप जड़ी बूटी लेते हो तो उसमें क्या होता है कि वो घामे में सुखा देते हैं। जब घामे में सूख जाती है तो उसकी जान निकल जाती है। वो दवा देखने में तो अच्छी लगेगी, लेकिन देखने में अच्छी लगेगी लेकिन उसका काम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं कहते हैं कि भैया लोगों, आप लोगों को हम बताते भी रहते हैं और ज़िंदा जड़ी बूटी दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। अंजीर है, अंजीर खाने से क्या क्या लाभ होते हैं। बलवर्धक शरीर बनता है, आँख की रोशनी अपूर्व बढ़ जाती है। और ऐसे ही आप लोग जड़ी बूटी से, ये तुम्हारा भूमि आमला है, ये टॉनिक भी है और लीवर की राममार दवा है। इसी प्रकार करंजलता है, करंजलता बुखार के काम में भी आती है और किडनी को भी अच्छा करती है। तो ये इसके फल और पत्ते एक ही काम करते हैं। फल मिल जाए तो भी अच्छा है और उसके पत्ते को काढ़ा बना के पिए वो भी अच्छा है। और सहजन के बारे में भी आप जानते होंगे कि जितनी भी आप खाना नहीं खा पाओगे, अगर एक चम्मच सहजन का पाउडर आप ले लीजिए दूध से या पानी से, तो शायद जो दिन भर आप खाना खाओगे उससे कई गुना अच्छा है ये सहजन। और पुराने लोग कहते थे कि सहजन अतिका, इसके बारे में भी बताया था। सहजना जो है बहुत कमज़ोर होता है और इसका इस पर जरा भी अगर हाथ मार दो तो भी ये टूट जाता है। इस पर लोग चढ़ने से घबराते हैं क्योंकि इसकी डगैयाँ हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। जड़मूड़ों से जाए तो ये सहजन जो है, इसको जो है जब इस पर फूल पत्ती फल लगते हैं, फलियां लंबी लंबी होती हैं और ये बहुत अच्छी, इसकी सब्जी भी खाई जाती है, इसके पत्ते की भुजिया भी खाई जाती है, इसका काढ़ा भी बनाया जाता है। तो ऐसा सहजन है। हमारे भारत प्रदेश में दो तरह का सहजना होता है, एक तो मीठे होता है, एक कड़वापन होता है। कड़वापन है वो देसी होता है और जो मीठा होता है वो बड़ा होता है और उसकी फली भी लंबी आती है, उसका पत्ता भी बड़ा होता है और वो कड़वाहट में कम होता है। तो भाई लोगों, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, मैं आपको बताते रहते हैं, आप ध्यानपूर्वक से देखना। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, देखने में आपको भी परेशानी होगी लेकिन जब आप देखोगे तो कुछ तो आनंद लुप्त उठाओगे कि क्या क्या अच्छी जड़ी बूटियाँ संसार में पड़ी हुई हैं। और मैं आज निर्गुंडी के सामने से ही ख़त्म करता हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।